आयुर्वेद में जो ब्रांचेस हैं वो शरीर के डिवीजन पर आधारित नहीं है, जैसे अब ऑर्थोपेडिक और जो गायनिक है, या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है, जो लंग्स की प्रॉब्लम है, हम सबको एक साथ लेते हैं और इस सारे शरीर की बीमारियों को हमने एक नाम दिया है, वो है काय चिकित्सा। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बोलते हैं ग्रह चिकित्सा, जो हमारे सुप्रा कॉर्टिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और सुप्रा कॉर्टिकल एक ऐसा एक हमारी एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो हमको समझना चाहिए। देखिए, आत्मा का जो अध्ययन है वो हमारे मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मा या तो दुर्बल होगी या बली होगी। तो आत्मा, यदि आत्मबल है जिसके पास में, उसको किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या चाहे जीवन की हो चाहे शरीर के अंदर हो, वो व्यक्ति उसको जीतेगा। ये आप भी मानते हैं और ये सभी लोग मानते हैं, आत्मबल। अब दूसरी चीज ये आती है आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञानी होना। यदि आत्मा को हमने एक्चुअली ये मान लीजिए कि आत्मा एक डेटाबेस है। आत्मा के पास में जितनी भी आपने जो जो काम अभी तक किए हैं जीवन में, या आप जो जो काम कर रहे हैं, या जो आपने करने जा रहे हैं, वो भी उसका भी डेटा आत्मा के पास में ऑलरेडी है। इसी को बोलते हैं अध्यात्म। जो आत्मा का ज्ञान है वो है अध्यात्म, और जो विषयों का ज्ञान है वो नॉर्मल ज्ञान है। तो ये जो आत्मा का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, इसको बहुत कायदे से समझना चाहिए। अब चरक संहिता जो हम लोग की जो बुक है, उन लोगों के लिए जो नॉन मेडिकल हैं, आयुर्वेदिक नॉन मेडिकल लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग चरक संहिता को खरीदें। और उसमें एक शरीर स्थान, उसमें कई सारे स्थान हैं, सेक्शंस हैं, उसमें एक सेक्शन है शरीर स्थान। उसमें एक थर्ड चैप्टर है, और उस थर्ड चैप्टर में आत्मा अध्यात्म ज्ञानम आत्मज्ञान बलम महत्। सबसे बड़ा ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान। अभी अध्यात्म ज्ञान ये बाहर नहीं है, क्या है ये अध्यात्म? हमने बहुत सुनते हैं ना कि साहब मैं तो अध्यात्म में अब लग गया हूं, मेरा तो अब संसारिकता में मन नहीं लगता, इत्यादि इत्यादि लोग बोलते हैं। देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने अध्यात्म की डेफिनेशन दी है, और आपको कहीं नहीं मिलेगी ये डेफिनेशन। वो कहते हैं इंद्रियाणि च संक्षिप्य। देखिए, अब मैंने आपको पिछले वाले क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी इंद्रियों की। अब मैं पहले उसके बारे में आपको बता दूं। अध्यात्म को हम लोग समझेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, आप जो है वो आप आत्मा है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये पूर्व जन्म में इसने बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आई हुई है ये आत्मा। इसके पास में जेनेटिक मेमोरी है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब इसने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं इस आत्मा ने, और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो मैं गलत तो नहीं कहूंगा, पर जो मोह इच्छाएं और द्वेष के कारण हुए हैं। अब उस व्यक्ति को अत्यधिक इच्छा है हमारी कोई, अब वो इच्छा पूरी करने के लिए हमने गलत रास्ता अख्तियार किया, या किसी और का अहित किया। द्वेष में तो सीधा अहित करते हैं, मोह में हम फिक्स हो गए किसी एक चीज में, और जो हमारी और जिम्मेदारियां थी हमने उनको निभाया नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो ये जो कवर है, ये जो हमने जो काम करे हैं इस मोड में, उनकी भी डेटा मेमोरी हमारे ब्रेन, हमारी आत्मा के साथ में है, ठीक है, राइट। प्लीज आप लोग कोई भी चीज ना समझे, मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखें। अब ये मेमोरी की जो आत्मा है, ये इसके पास में बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्ञान है, भरा हुआ है।
पर वो ज्ञान इन कर्मों की वजह से वो कवर्ड है, ठीक है। आवरण पैथोलॉजी हमारे यहां एक वर्ड है। तो हमारी जो आत्मा है वो मोह इच्छा और द्वेष के कर्मों के से कवर्ड है, आवरित है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। अब ये आत्मा जो भी काम करेगी उसको करना तो है, क्योंकि उसकी वो इंस्टिंक्ट में है, इसी को बोलते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, वो उसकी आत्मा की इंस्टिंक्ट है। कुछ बच्चे पैदा होते ही उनके अंदर एक स्पेसिफिक इच्छाएं होती हैं, वो उसकी वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहलाती है, वो आत्मा के अंदर की इंस्टिंक्ट्स हो गई, ठीक है। अब इसको आप, अब आत्मा को बाहर कोई भी यदि काम करना है तो उसको इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। इंद्रियां क्या है? सबसे पहली इंद्रिय है मन, अतीन्द्रिय। उसके बाद में इंफॉर्मेशन लेने वाली जो सेंसेस हैं, जो हमारी आंखें हैं, कान है, जिससे आप सुन रहे हैं मेरी बात को। अब आपका ही मैं केस लेता हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप मुझे यहां देख रहे हैं, आप इस डेटा को अपनी सेंसेस से, ईयर ऑडिबल सेंसेस से, विजुअल सेंसेस से आप ग्रेस्प कर रहे हैं। अब इंद्रियों की अपनी एक बुद्धि है, बुद्धि इंद्रिय की भी है और मन की है। तो क्या हो गया, ये सेंसेस ये इंफॉर्मेशन को अपनी इंटेलिजेंस से इसको प्रोसेस करके ब्रेन में कोड में रख रहे हैं, ठीक है। आप सब एग्री कर रहे हैं यहां पे? अब आपने जो मुझे सुना है वो आपके ब्रेन में कोड में चला गया। अब वहां पर, वहां से ये, अब आपका जो मन है वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। मन की क्या स्थिति है वो बहुत आवश्यक है जानना। जो मन की अपनी एक बुद्धि, मन के बारे में आयुर्वेद ये कहता है कि मन की जो स्थिति है उसके लिए उसने वर्ड यूज किया है चौथे अध्याय शरीर स्थान में। सत्व तो इसका नाम है, और यहां पर मन को बोला है शुद्धम राजसम तामसम मिति। इसके तीन स्वरूप दिए हैं। एक स्वरूप है शुद्ध, शुद्ध मन, और एक है अशुद्ध मन, साफ मन का व्यक्ति। जो अशुद्ध मन है वो दो तरह के बताए हैं, राजसम सदोषमाख्यातम, शुद्धम अदोषमाख्यातम। जो शुद्ध मन है उसमें कोई भी दोष नहीं है, शुद्ध मन है उसमें कोई दोष नहीं है, और कल्याणामशत्वात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चरक संहिता कह रही है, ये कोई धर्म शास्त्र नहीं है, ये कोई वेद पुराण की बात नहीं हो रही है, इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। और यदि आपने ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये नॉलेज अपनी आत्मा को दे दी और आपकी आत्मा ने ये इंफॉर्मेशन डेटा रख लिया, तो आप इतनी अच्छी तरह से अपने जीवन को जिएंगे अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं खुद प्रैक्टिकली अपने जीवन को बड़े आनंद के रूप में जीता हूं इस ज्ञान के कारण।